मेरा नाम पंकज दयानी है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं यहां पे ट्रेनिंग के लिए आया हूं। आज हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें यहां पर भविष्य में हमें कैसे मिलजुल कर गाँव वालों के साथ काम करना, इस उद्देश्य से हमको इन तीन गाँवों का यहां पर विजिट कराया गया। यहां पर हमने देखा कि इस वर्ष 2018 वर्ष में जो पावनी फाउंडेशन के द्वारा जो एक प्राइज रखा गया था, उसमें फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया तकियावाड़ी, जो मान तालुका का तकियावाड़ी गांव है। हमने वहां पे जाके देखा किस तरह से लोगों ने इतना संगठित होकर जाति पाति भेदभाव को छोड़कर छोटा बड़ा विकलांग बूढ़ा सब बाधाओं को तोड़कर जो एक साथ मिलकर जो उन्होंने काम किया इस क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ पर पानी कम है तो उन्होंने कुदरत को भी जो है चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती के आगे वो झुके नहीं, बल्कि उसके आगे उन्होंने जो है अपने श्रम से अपने क्षेत्र की तकदीर बदलने के लिए जो यहाँ पर काम किया। हमने यहाँ पर काम देखा, हम तो यहाँ से हृदय से इतने आभार व्यक्त कर रहे हैं इनका। पूरा जो ये तीन गांव, जैसे हम यहाँ पे भांडावाली है, बिडाल गांव है और जो तकेवाड़ी गांव के लोगों का जो है हम धन्यवाद देते हैं कि ये इस तरह की एकता इन लोगों के सामने देखने मिली। पानी फाउंडेशन ने तो मात्र इनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, लेकिन जो गांव के लोगों के द्वारा एक दूसरे को समूह में लाना, जो एक दूसरे को जो श्रम विभाजन करना कि किसको क्या काम करना है, कब करना है, कौन खाने की व्यवस्था करना है, जो महिला सशक्तिकरण के प्रति जो सहभागिता है उसमें लोगों को हमने देखा सुना। मतलब हम ये चीज़ें किताबों में पढ़ते थे, लेकिन हमने आज प्रत्यक्ष अपने समक्ष इस काम को करते हुए देखा। हमने अपने रिजल्ट हमने देखा कि कैसे LBS उन्होंने बनाए हुए, कैसे उन्होंने जो है टेक्निकली जो डीप ट्रेंच खोले हुए हैं उनमें हर जगह उन्होंने जो है बाउंड लगा रखा ताकि जो है वाटर ओवरफ्लो ना हो। तो धीरे धीरे जो है इसका जो जल्दी ही इसका जो है यहाँ पर हमें परिणाम मिलेगा। आजकल जो है कोई भी बिना स्वार्थ के कोई भी एक रुपये दान नहीं देता, लेकिन सामूहिक हित के लिए जो उन्होंने एक मंच पर आकर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समृद्धि के लिए, क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। प्रदीप पोर साहब ने भी हमें बताया कि यहाँ पर जो है पहले जो कूप यहाँ पे जो बोर वेल होते थे वो 200 फीट में मिलते थे, लेकिन अब वो क्या आने लगे हैं, वो 100 फीट में मिलने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर सुधार है कि ये जो है इनकी जो ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, ये पूरे महाराष्ट्र के जो इस तरह के क्षेत्र है पूरे महाराष्ट्र में फैले, पूरे भारत में फैले और पूरे विश्व में इससे जो है मान बढ़ाएं। धन्यवाद।